दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स जैसे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर अगर किसी बॉलीवुड की फिल्म के एक रीमेक में साथ में काम करेंगे तो कौन सी होगी वो फिल्म? दोस्तों, हमारे अनुसार अगर फिल्म हम दिल दे चुके सनम की रीमेक में ये एक्टर्स साथ में काम करेंगे तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आज का हमारा ये सुपर इंटरेस्टिंग फैन मेड वीडियो हम हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म हम दिल दे चुके सनम के रीमेक के बारे में आपके पसंदीदा बॉलीवुड चैनल यूआर बॉलीवुड के नजरिए से। हम दिल दे चुके सनम साल 1999 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था मशहूर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने। इस फिल्म ने कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर के पुरस्कार जीते थे। ये फिल्म एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने और इस फिल्म के कई सारे गाने चार्ट बस्टर साबित हुए थे, स्पेशली निम्बुडा निम्बुडा और फिल्म का टाइटल ट्रैक जो आज भी काफी पॉपुलर है। इस फिल्म में मुख्य कलाकारों में नजर आए थे सलमान खान समीर के किरदार में, अजय देवगन वनराज के किरदार में, ऐश्वर्या राय बच्चन नंदिनी के किरदार में, विक्रम गोखले पंडित दरबार के किरदार में, सुमिता जयकर नंदिनी के माँ के किरदार में, जोहरा सैगल दादी के किरदार में और हेलन समीर के माँ के किरदार में। अब जानते हैं दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां बढ़ी थी जो आज तक बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित रिश्तों में से एक है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के पहले ही सीन में वो कच्छ के रेगिस्तान में नंगे पैरों में चलते हुए नजर आई थी। उस समय वहां का तापमान था लगभग 35 डिग्री का जो काफी गर्म थी। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने इस सीन के लिए ऐश्वर्या की काफी तारीफ भी की थी। इस फिल्म की कहानी साल 1983 में आई फिल्म वो सात दिन से काफी मिलती जुलती है। दोस्तों, इस फिल्म के म्यूजिक के लिए डायरेक्टर संजय लीला बंसाली और म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने लगभग 2 साल लगाए और इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे। सलमान खान और उनकी सौतेली माँ हेलन पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आए थे। इस फिल्म में दोनों ने माँ बेटे का किरदार निभाया था। शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट के कारण ऐश्वर्या राय बच्चन के पैर सूज गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिल्म के गाने निम्बुडा निम्बुडा में बेहतरीन डांस का प्रदर्शन दिया। फिल्म का ओरिजिनल टाइटल दिल तो हमने दिया सनम था, जिसे बाद में बदल दिया गया। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो कौन होंगे वो कलाकार जो इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे और क्या होगी इस फिल्म की कहानी? चलिए जानते हैं दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आज के दौर में कुछ ऐसे हो सकती है। नंदिनी, जिसका किरदार निभा सकती है सुपर एलिगेंट दीपिका पादुकोण, जो इस फिल्म में एक पॉपुलर सालसा डांसर है जो अपने माता पिता के साथ मैक्सिको में रहती है। नंदिनी के पिता इंटरनेशनल लेवल में एक काफी पॉपुलर सालसा डांसर रह चुके थे और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी भी उनका ये मुकाम हासिल करे। एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए नंदिनी को एक साथी की जरूरत होती है। तब उसकी मुलाकात होती है एक नौजवान लड़का समीर से। समीर काफी रईस लड़का है जिसे सालसा में काफी रुचि है और समीर का ये किरदार निभा सकते हैं रणवीर सिंह। शुरुआत में नंदिनी और समीर के बीच काफी नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। दोनों इंटरनेशनल सालसा कॉम्पिटिशन भी जीत लेते हैं। समीर के पिता एक बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं। उन्हें समीर और नंदिनी का रिश्ता मंजूर नहीं होता है। उनका मानना होता है कि समीर को अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताकि वो उनके बिजनेस को अगले लेवल पर पहुंचा सके, जिसके लिए वो समीर को US में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए भेजता है। समीर को न चाहते हुए अपने पिता की बात माननी पड़ती है और वो नंदिनी को छोड़ US चला जाता है। वही नंदिनी समीर के जाने के बाद काफी दुखी हो जाती है और उसे इस बात का काफी बुरा लगता है कि समीर उसे छोड़ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए US चला गया है। इन सभी की वजह से नंदिनी काफी टूट जाती है, जिसके कारण उसे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अजय माथुर के पास जाना पड़ता है और इस डॉक्टर का किरदार निभा सकते हैं रणबीर कपूर। दोनों के बीच काफी सेशन होते हैं जिसके दौरान अजय को नंदिनी से प्यार होने लगता है, लेकिन अभी भी नंदिनी को समीर की याद सताती है। अजय नंदिनी को
समीर से मिलाने का फैसला करता है। अजय नंदिनी को यूएस ले जाने का इंतजाम करता है। इसी बीच नंदिनी के मन में अजय के लिए इज्जत बढ़ती है और धीरे धीरे नंदिनी अजय से प्यार करने लगती है। अजय नंदिनी को समीर से मिलाता है। समीर नंदिनी से बोलता है कि वो अपने पिता के मर्जी के खिलाफ नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार है। तब नंदिनी के मन में कश्मकश होती है कि वो किसे अपना हमसफर बनाए, एक जो सब जानकर भी नंदिनी को मन ही मन चाहता है और वो नंदिनी को मदद भी कर रहा है, या फिर उस आदमी को जो उसको छोड़ चला गया। फिल्म के अंत में नंदिनी अजय को अपना साथी चुनती है और समीर क्योंकि नंदिनी से सच्चा प्यार करता है, वो नंदिनी और अजय के रिश्ते को कबूल करता है। क्योंकि दोस्तों एक स्टार स्टडेड संजय लीला बंसाली की रीमेक फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होगा क्योंकि इस फिल्म में कई लाविश सेट्स होंगे और फॉरेन के लोकेशंस होंगे। इस फिल्म में दोस्तों कुछ ओरिजिनल गाने की रीमेक को भी सुना जा सकेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप? आपके विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों इसके अलावा भी यूआर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।